हाय फ्रेंड्स, आई एम सुधा सोनी, रिटायर्ड लेक्चरर फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर। साथियों, एक्सपीरियंस यानी अनुभव एक ऐसे कंघे की तरह है जो तब प्राप्त होता है जब इंसान के बाल कुछ झड़ने लगते हैं और बहुत कम रह जाते हैं, और अगर वो कंघा दूसरे को देना चाहे तो दूसरा इंसान उसे लेने से इनकार कर देता है और अपने एक्सपीरियंसेस खुद करता है। साथियों, अगर कोई इंसान दूसरे से कहे कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें इकट्ठे करने में, प्रॉपर्टीज़ इकट्ठे करने में या ड्रेसेस इत्यादि बहुत ज़्यादा इकट्ठे करने में समय व्यर्थ होता है, उनकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है और हम अपना अनमोल जीवन उसका सदुपयोग नहीं कर सकते, अपने आप को नहीं जान सकते, परमात्मा को नहीं जान सकते, क्योंकि हम इन चीज़ों में उलझे रह जाते हैं। अगर ये बात किसी को बताई जाती है तो दूसरा इंसान इस चीज़ को इग्नोर करता है, और जब तक वो खुद एक्सपीरियंस नहीं कर लेता तब तक वो इस चीज़ को नहीं मानता। साथियों, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं यानी जो भी हम इकट्ठा करते हैं, वो एक तरह से हमें अपना गुलाम बना लेती हैं और हम उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए और उनको ठीक रखने के लिए अपना प्रयत्न करते रहते हैं। और जीवन में क्या करना है, जीवन की ऊंचाई क्या है, अपने आप को कैसे जानना है और अपने आप को परमात्मा के साथ कैसे अपना मन लगाना है, ये सब भूल जाते हैं। और जब तक हमें इन चीज़ों की व्यर्थता का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। साथियों, कोशिश करनी चाहिए कि जीवन में ये ठीक है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए, परंतु वो अगर लिमिटेड हों, ज़रूरत की हो तो ज़्यादा अच्छा है, और अपना ताकि हमें अपनी आज़ादी बनी रहे और उस आज़ादी में हम अपने समय का सदुपयोग करके अपने आप को भी जानें, अपने परमात्मा को भी जानें और समाज के लिए भी कुछ कर सकें, ताकि ये हमारा जीवन सफल हो सके। मैसेज ठीक लगा तो शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड।